वेलकम बैक, यू आर वॉचिंग खेल लाओ टीवी। मैं हूं गौतम और मेरे साथ हैं मोहित चिलर्जी। सर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज के दोनों मुकाबलों पे जाने से पहले मैं जाना चाहूंगा उन पुराने चावलों पे जिनकी हम बात अक्सर करते हैं यहाँ पे। देखिए बहुत ही बढ़िया मूव था, बहुत ही शानदार आज के दोनों मैच हुए हैं। और एक तरफ जहाँ अजय कुमार का जोश देखते ही बनता था, और अब अगर हम रिसेंटली वाले मैच की बात करें यहाँ पे गुजरात और यू मुंबा की, तो दूसरी तरफ वी अजीत का जो स्ट्रगल था वो भी वहाँ पे दिखा। लेकिन सर आज दोनों ही मैच जो है थोड़े स्लो लगे। आप पहले हाफ तक देखिए कि जहाँ पहले हाफ में पिछले कल देखिए आप जहाँ 40-50 का मुकाबला हुआ है, वहाँ आज दोनों ही मैच स्लो मुझे लगे हैं। सर आपको क्या कहना है इसके जी? गौतम भाई आगे मैच और भी स्लो हो गए क्योंकि टीमें अब समझने लगी है, क्योंकि अब आधी लीग जा चुकी है तो बड़ा संभल के खेलना होगा कि प्ले ऑफ की रेस में जाने के लिए। तो मैच स्लो करने में ही फायदा है। वो थर्ड रेड पे भी आएंगे अभी कि थर्ड डू एंड डाई रेड पे मैच चलेंगे सारे। तो गौतम भाई और भी स्लो होंगे आगे जो मैच होंगे, तो एक ही आधा एक दो मैच ही होगा जो फास्ट होगा, नहीं तो बाकी स्लो हो गए मैच। नहीं एक्चुअली एक स्लो मैच ठीक है, जिंदगी स्लो है, मैट पे जा रही है, लोग हैं, लोगों का काम है कहना और हमारा काम भी है कुछ सवाल पूछना यहाँ पे। लेकिन एक बात आप मुझे बताइए मोहित सर कि आखिर स्लो मैच खेलने के पीछे क्या स्ट्रेटजी होती है? सर गौतम भाई मैं ये मानता हूँ, मैं क्या, ये तो फैक्ट है, अगर टीम ज्यादा पॉइंट से, अगर आप आज के मैच देख लो क्या स्लो कितने मैच थे, तो उनका आप देख लो जो अभी मैच हुआ है 63 बॉम्बे और गुजरात के बीच में, तो कितना स्लो था उनका। पून के पॉइंट देख लो 24-24 पे टाई हुआ है। तो स्लो मैच खेलने का मतलब है कि टीम ज़्यादा लीड ना बना पाए और अपने आप को जैसे कंट्रोल रखे टीम और समझने का भी मौका मिले। बहुत सारी रेडे एमपीटी रेडे भी हुई है, आप देख सकते हो गौतम भाई हर जितने भी रेडर गए हैं। तो जीतने की एक कला होती है स्लो मैच। अगर हम फास्ट करते हैं, अगर हम यहाँ से वहाँ से हमारा रेडर पॉइंट लेके आता है, उसके बाद हमारा डिफेंस यहाँ से पॉइंट दे देता है, तो फिर सर मैच में मज़ा नहीं आएगा, मैच फास्ट हो जाएगा। तो मैच को स्लो के जीतना ही एक कलाकारी होती है सर, एक प्लान होता है, ये भी कबड्डी का एक प्लान का हिस्सा होता है। बिल्कुल। अच्छा मोहित भाई आपने कहा कि डू एंड डाई पे भी खेला जाता है, तो डू एंड डाई पे खेलने के लिए भी क्या कुछ इसी तरह का प्लान लगाया जाता है कि डू एंड डाई है? और ज्यादातर मैंने देखा है कि इंतजार करते हैं डू एंड डाई का सर। गौतम भाई डू एंड डाई का बिल्कुल इंतजार करते हैं टीमें। जैसे फर्स्ट हाफ मैं बोलूंगा गौतम भाई कि फर्स्ट हाफ आप थोड़ा स्लो से ज्यादा एग्रेसिव होता है क्योंकि तब लीड बनती है। उसके बाद जो सेकंड हाफ होता है तब डू एंड डाई पे जाते हैं, और डू एंड डाई पे ज्यादा समय लेना तो मैं गलत मानूंगा। अगर रेडर गया हुआ तो डू एंड डाई अगर वो रेड में अगर ज्यादा समय ले रहा है तो वहाँ वो रेडर गलती कर रहा है, क्योंकि रेडर का एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है डू एंड डाई में। अगर वो लास्ट के 10 सेकंड में जाके पॉइंट लेके आएगा तो वहाँ टैकल भी हो सकता है, क्योंकि वो भी होपलेस हो जाएगा रेडर की 10 ही सेकंड बची है मेरे पास। जी हाँ, तो बहुत सी बातें हैं जो आपके जहन में भी होंगी यहाँ पे, आज उन्हें आप हमारे कॉमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए खेल लाओ टीवी पर। आज की सरपंची भी यहाँ पे शुरू हो चुकी है, सरपंची में हीरो ऑफ द डे कौन है इसके बारे में आपने हमें बताना है, अजय कुमार या फिर संदीप नरवाल। दोनों मैचेस में से एक एक हीरो हमने आज निकाला है, अजय कुमार और साथ में संदीप नरवाल। तो आज अगर बात करें सर, सबसे पहले अजय कुमार से ही बात करते हैं। आज वो थोड़ा मस्ती के मूड में भी दिख रहे थे, तो सर कितना मतलब मैच भी क्लोज था, तो इस तरह की मस्ती जो है कब जो है एक खिलाड़ी चांस ढूंढ लेता है थोड़ी मस्ती करने का? सर ऐसे ऐसे मौके आते हैं मस्ती करने के कि जब आप मस्ती के मूड में और वहां पर वो चांस बन जाए मैच खेलते खेलते टाइम, तो अब प्लेयर मस्ती करता है। और सर मैं तो आपको गौतम भाई पहले ही बोल रहा था, प्रेशर से ज्यादा अगर आप प्रेशर ना लेकर उसको थोड़ा मस्ती के मूड में कर दोगे तो मैच और भी अच्छा खेला जाएगा, और भी मस्ती आएगी, टीम में भी आएगी, टीम जीत रही है तो और भी ज्यादा मस्ती आती है। और गौतम भाई मैं भी एक बात बोलना चाहता हूँ आपको कि शायद हमने टॉस किया था यू मुंबा और गुजरात में, फोन सीधा तो नहीं रह गया था। मुझे भी यही लगा था कि कि हमने आज इनके लक को आजमाया था, ये मैच टाई हो गया। ये मेरे दिमाग में ये बात थी कि यार टाई हो गया, फोन सीधा तो नहीं रह गया था, लेकिन सर फोन तो मेरे हाथ में था, मुंबई जीत रही थी, शायद ऐसे 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 हो गया होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल गलती से। हितेश कुमार पूछ रहे हैं कि नमस्ते चिल्लर भाई, चिल्लर भाई आप नमस्ते के साथ क्या कहना चाहोगे आज? आलू छोले सस्ते? जी बिल्कुल, आलू छोले तो सस्ते क्या सर। नमस्ते भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे
खेलना उटी से जुड़े हो और हमें देख रहे हो, मेरे को गौतम भाई को, और यहाँ एक मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आप हमारे फ़ैन हो, हम आपके फ़ैन हैं, तो प्लीज़ लाइक, जितनी आप वोट डालें उससे ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, 10 लाख तक पहुँचाना है, 1 मिलियन करना है हमें, तो और नेगी भाई भी खुश होंगे इस चीज़ से, तो आप लोगों का प्यार, यही प्यार देख के मेरे को और गौतम भाई को जज्बा आता है, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो। जी हाँ भाई, यश शेखावत कहते हैं कि मोहित सर, एक रेडर को फुटवर्क के दौरान इंजरी हो जाती है, लेकिन एक डिफेंडर को किस प्रकार की इंजरी हो सकती है, आप अपनी इंजरी का भी एग्जांपल दीजिए। जब रेडर की अगर थाई होल्ड करे सर, या तो फिर, या तो हमारे प्लेयर क्योंकि असिस्ट करने आते हैं गौतम भाई, तो तब हमारे ऊपर ही ऐसा कोई मूवमेंट हो जाता है डिफेंडर को के ऊपर ही आके सातों प्लेयर गिर जाते हैं, तो इंजरी होती है सर। जब आगे डैश करने के लिए जाते हैं तब इंजरी हो सकती है एक डिफेंडर को, या आप किसी प्रकार का टैकल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कहीं पर भी रेडर का एल्बो, नी, कुछ भी लग सकता है, तो सर इंजरी का पता नहीं होता, वो मूवमेंट होता है कि इंजरी रेडर को नहीं, डिफेंडर को भी होती है, मेरे को भी इंजरी है, काफ़ी इंजरी है, मैं अब कहाँ बताऊँ आपको, कहाँ इंजरी है। जी हाँ, कुछ ऐसी जगह आप इंजरी है जो ना बता सकते ना लोगों के सामने सहला सकते। वी डी मोर्चा कह रहे हैं यहाँ पे कि अरे मोहित सर ने टीम सेलेक्ट की उसमें फजल और सुनील थे, लेकिन अभी माई फैब 11 में रिंकू और प्रवेश सेलेक्ट किए हुए हैं, चेंज कर लिया है आपने जो है अपनी टीम को, ये बहुत चीटिंग है सर, क्या कहेंगे? थोड़ी थोड़ी चीटिंग चलती है ना सर, सारी चीज़ें एक साथ नहीं होती, लेकिन मैं क्षमा मांगूंगा, मैंने जो टीम दिखाई थी सर शायद वही टीम थी मेरी, थोड़ा सा चेंज मैंने भी कर लिया, आपने भी करा, आप भी थोड़ी चीटिंग किया करो, अगर चीटिंग से आपसे पैसे बनते हो तो प्लीज थोड़ी सी किया करो। जी हाँ, तो माई पे भी थोड़ी थोड़ी लिया करो, वैसे नहीं, जी हाँ हुई महंगी बहुत, लेकिन थोड़ी थोड़ी लिया करो। शुभम भटनागर कह रहे कि आप आज दोनों आने में थोड़ा लेट हो गए सर। शुभम जी, वी आर रियली वेरी सॉरी कि यहाँ पे हम लेट हुए हैं, मैच ही लेट खत्म हुआ है, हम लेट नहीं हुए हैं और हम तो टाइम पे यहाँ पे आ गए थे। अब मैच में सर, एक मैच जो है लंबा खिंचता चला जाता है, जितने उसमें ये एक आपके टाइम पे जब आप मैट पे होते तो सबसे लंबा मैच आपके जहन में कौन सा आता है? लंबा मैच सर जी, जो टाइम के हिसाब से लंबा खिंच जाता है वो मैच वो होता है जब सर हम हार रहे होते हैं और दूसरी टीम काफी बड़ी लीड से जीत रही होती है जी, तो जी, वो टाइम निकालना सबसे खतरनाक होता है। हम सोचते हैं यार कोच चेंज ही करते, चेंज कर दे यार, हमें यार कौन इस टाइम को निकालेगा, तो लेकिन कोच भी बड़े सर वही होते हैं ना। जी हाँ, बड़े वो चीज होते हैं बड़े वो होते हैं। आप हमें बताइए यहाँ पे कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे मोमेंट कब आए जब आपको लगा कि यार ये वक्त बीत ही नहीं रहा है यहाँ पे, या फिर कभी ऐसे कोई हसीन पल जब आप चाहते हैं कि आंखों में हया और बातों में थोड़ी बेशर्मी, हाँ अगर तुम सही हो तो ये सांसों में क्यों है गर्मी, उस वक्त भी आपको लगता है कि आपका जो टाइम है वो जल्दी बीत जाना चाहिए, टाइम टाइम की बात है ये तो। चलिए यशपाल कहते हैं हमें यहाँ पे, सर मोनू गोयत आज क्यों नहीं खेले मैच में, क्या इंजरी है उन्हें कोई? शायद सर मेरे को भी लगता है उनको इंजरी है गौतम भाई, क्योंकि वो लास्ट दो मैच खेल नहीं रहे हैं बिल्कुल, और आज वो होते तो कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट होता है, बिल्कुल होता, और मुझे लगता है कि सर उन्हें इंजरी तो नहीं है, जहां तक हमारी बात हुई थी उन्हें रेस्ट दिया गया है ताकि वो अगले मैच में आए, ऐसा नहीं है कि यहां पे मैचों के बाद आएंगे क्या सर जब टीम हार जाएगी? देखिए क्या है कि नहीं लगता सर, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इंजरी हुई है, रेस्ट भी दिया होगा, आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात को टालूंगा नहीं यहाँ पर, लेकिन मेरे को लगता है इंजरी हुई है सर, कहीं ना कहीं छोटी मोटी इंजरी मिली सर। ऐसे में ना बात जो है बाहर आ ही जाती है अगर इंजर्ड होता है कोई प्लेयर, आप देखिए कि जिस तरीके से जो है बाहुबली देसाई इंजर्ड हुए, उनकी जो है आर्म में थोड़ा इंजरी था, उसके बाद वी अजीत पिछले मैच में इंजर्ड हुआ, पता लग जाता है आपको मैच के दौरान, अगर हाँ प्रैक्टिस सेशन में इंजरी हुई होगी उसका हम नहीं कह सकते। तो सर वही तो बात है ना कि प्रैक्टिस सेशन भी होता है तो वहां भी इंजरी हो सकती है, मैच में तो हमें पता लग जाता है, लेकिन प्रैक्टिस तो ना आप देखते हो तुम भाई ना मैं देखता, वो तो कोच की निगरानी होती है जी, बिल्कुल बायो बबल ही देखता। जी हाँ, लेकिन सर आज आपको गुजरात और यू मुंबा में, अगर दोनों की हम इन दोनों टीमों की बात करें तो दोनों में रेडिंग और डिफेंस में आपको आपका दिल किसने जीता है सर आज? सर मैं बात करूं तो आज मेरा दिल दबंग दिल्ली के रेडर पर, नहीं नहीं सर मैं गुजरात जायंट्स और यू मुंबा की बात कर रहा हूं। तो सर मैं अगर मैं यहां जाऊं तो गुजरात, और इसमें तो मेरा सर मानना है कि
आज गुजरात के डिफेंस ने भी मेरा दिल जीता है क्योंकि हाँ। सुनील ने काफी अच्छा काम किया था और प्रवेश ने भी अच्छा हाँ। काम किया था। गिरीश मारुति का भी नाम ले लीजिए जी। बिल्कुल गिरीश ने सर कितने मैचों के बाद उतरे हैं वो मैदान पे और ध्यान था मेरे को जरूर। और हार्डी और स्ट्रोक का वो जो टैकल था जिस तरीके से हार्डी, एक बात बताइए सर, ये ईरान के आप भी सर इतने बड़े डिफेंडर है, आपने भी बड़े बड़ों को धूल चटाई है, लेकिन वो जो लेटने वाला सीन है वो टैक क्या सर, वहां पे छू नहीं पाता है मतलब वहां पे। जी बिल्कुल, अगर वो सर उन्हीं में टैलेंट है, शायद मैंने इंडिया में किसी में वो टैलेंट नहीं, आपने भी नहीं देखा होगा, तो मैं नहीं देखा, मतलब तो फजल को भी नहीं देखा सर। बिल्कुल सर, अगर ये लास्ट लाइन है तो यहाँ पर लेट जाते हैं, हाँ भाई आजा, बिल्कुल विष्णु मुद्रा में चले जाते हैं, बिल्कुल उसका इफेक्ट पड़ता है क्योंकि अगर रेडर आपको छुएगा तो आपको ज्यादा बैंड होना पड़ेगा, तब तक आप अगले की रेंज में आ जाओगे, तो सर ये ज्यादा इफेक्ट होता है कि लेटना ही शायद उनको अच्छा लगता है और यही सिखाया जाता है शायद उनको। मैंने फैजल को भी नहीं लेटे हुए देखा सर, आदि मैंने मोहम्मद रियाज इनको भी लेटते हुए देखा, तो मैंने कई प्लेयरों को लेटते हुए देखा वहां पर, क्यों कहां पर बैट बना लेते हैं यार, कहीं पे भी मतलब जहां मौका मिला वहीं लेट जाओ। और यहाँ पे आदित्य दवाजन कह रहे हैं कि क्या दबंग दिल्ली और पटना जो है, पटना बेंगलुरु बुल से ज्यादा अच्छी टीम है, दबंग दिल्ली पटना और बेंगलुरु बुल से ज्यादा अच्छी टीम है सर, आपको लगता है? आज के मैच को देख के मुझे लगा है कि पुराने चाहुलों में वो दम है, वो आज जिस तरीके से एक डिफेंडर ने जो पॉइंट लेके आया ना, हमने उन्हें यहाँ पे आज का हीरो भी बनाया संदीप नरवाल को, वाह क्या क्या गेम है यार, मतलब मैं आज कह सकता हूं जो हम इतने दिनों से कह रहे थे कि भैया हाँ एक ही आदमी के भरोसे नहीं है पूरी टीम, उन्होंने आज करके दिखा दिया गौतम भाई कि उनमें भी दम है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने आज करके दिखाया, शायद आपका भी मन जीत लिया होगा आज दबंग दिल्ली ने, जैसे हम जिस चीज से गलत होते जा रहे थे कि एक नवीन ही उस टीम की स्ट्रेंथ है, लेकिन आज जो संदीप नरवाल निकले ना सर, बिल्कुल छुपे रुस्तम निकले, उन्होंने पिछले 2-3 सीजन से रेड नहीं की थी और आज उन्होंने रेड में 8 पॉइंट कमा लिए, और यही होता है सर कि आप पूछते ना ऑलराउंडर या डिफेंडर क्या कुछ कर सकता है, वो यही काम होता है कि उनको पता नहीं होता कि एक डिफेंडर भी रेड ऐसे डाल सकता है। देखिए इस मैच पे हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, उससे पहले आपको बता दूं कि खेल नाउ टीवी के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ आप सब्सक्राइब करते हैं यहाँ पे हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें, और साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा कबड्डी के प्लेयर्स, कबड्डी के चाहने वाले मोहित छिलर जी को जो वहां नहीं देख रहे वो यहाँ पे देखे, और यहाँ देख के वही कबड्डी वाला सीन, वही जो बेस्ट डिफेंडर वाला मोमेंट इनका होता है, वो यहाँ पे अपने सवाल इनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे भुवेश चौधरी साहब कह रहे हैं, अरे चौधरी साहब के खेल लग रहे कि गुजरात के रेडर्स ऑल आउट क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गुजरात हर मैच हारी है, और जिसमें गुजरात ऑल आउट नहीं कर पाती वहां मैच ड्रॉ कर रही है या जीती है, क्या कारण है? मतलब मैं आपके भविष्य, आपने गाड़ी को बाया बठिंडा होते हुए दिल्ली पहुंचाया है इनका सर। मैं समझ गया जी, चौधरी साहब थे जी, हाँ चौधरी साहब, गुजरात के रेडर ऑल आउट क्यों नहीं कर पा रहे सर, क्या कहेंगे? चौधरी साहब अगली टीम भी डिफेंस में ज्यादा ताकतवर है, ये नहीं कि डिफेंस अगली टीम का नहीं चल रहा, और शॉर्ट तीन या सुपर टैकल का जहाँ मसला आता है वहाँ पर डिफेंस और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और रेडर को चांस कम होते हैं, तो वही कारण है कि गुजरात के रेडर अच्छा खेल नहीं दिखा रहे हैं और वो ऑल आउट नहीं कर पा रहे हैं, साथ साथ उनका डिफेंस भी, जब लास्ट में वो ऑल आउट होने वाली थी सर यू मुंबा की टीम, तब उनके डिफेंस ने भी वहाँ संयम नहीं दिखाया और पॉइंट दे दिया, इसलिए गुजरात, संयम की सबसे बड़ी बात है वो, तो भाई संयम नहीं दिखा रहा है उनका डिफेंस और उनके रेडर भी। जी हाँ, देखिए मुझे क्या लगता है कि उनके रेडिंग डिपार्टमेंट की अगर बात करें सर, तो आज राकेश ने सिर्फ 2 पॉइंट लिए हैं, और जबकि राकेश नरवाल और अजय कुमार ने 6 और 7 पॉइंट लिए, और जिस राकेश की मैं बात कर रहा हूँ ये है SC, जी हाँ SC राकेश, तो ये SC राकेश हमेशा जो है मैंने देखा है कि दूसरी टीम के लिए HC के साथ बहुत कुछ कर देते हैं जी उन्होंने अच्छा खेला गौतम भाई, लेकिन वो लास्ट में कई सारे टैकल करवा लिए उन्होंने, वो जहां उनकी गलती थी, और यूम्बा में कोई शक नहीं है सर, फैजल ने चाहे एक भी टैकल पॉइंट नहीं किया हो, लेकिन रिंकू ने अपना हाई फाइव फिर पूरा कर दिया था आज, और बड़े अच्छे राइट कॉर्नर खेल रहे हैं, क्योंकि जितने भी टैकल किए शायद रिंकू ने ही किए है, हरेंद्र कुमार ने किया सर, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने बोला रिंकू, बिल्कुल, तो रिंकू उस टीम का एक स्तंभ सा बन के खड़ा हुआ है, और फैजल अपनी परफॉर्मेंस में नहीं आ रहे, तो ये भी एक कारण है, ये टाई मैच होते जा रहे हैं या हारते जा रहे हैं। बिल्कुल, और अभिषेक के बारे में आप क्या कहेंगे, वो इंसान मुझे एक ऐसा इंसान लगता है जो आपको लगता है ना कई बार की एक बॉल होती है
पिंग बॉल जिसको आप उछलती बहुत है सर, है ना, ये उछलते बहुत है, काम कुछ ज्यादा नहीं कर पाते सर। सर इनकी बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब मैं कुछ बोलूंगा, नेगी साहब बोलोगे यार क्या बोल दिया आपने, तो मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं, आप बोल दीजिए, आज कुछ नहीं बोलेंगे नेगी साहब, आज आपसे आज बोल दीजिए आप। बार बार वही गलती किए जा रहे हैं, बैक दिखा देते हैं, बैक भी दिखा रहे हैं, वो इतनी स्पीड है उनमें, वो क्या करते उस स्पीड का, जाके एक अपने लेफ्ट कॉर्नर पे जाके खड़े हो जाते हैं, ना मूवमेंट करते, वेट कर रहे हैं, कोई वेट करने से डिफेंडर नहीं आएगा। आप मूवमेंट करो, आप तोड़ो उनको, उनके डिफेंस के मूवमेंट को तोड़ो, तभी तो पॉइंट आएगा ना। आप बोनस की ट्राई कर रहे हो, आप जाके एंकल होल्ड करवा रहे हो, ग्रीश ने आप देखा होगा कितना अच्छा एंकल होल्ड किया, और वो बिल्कुल उन्होंने अकेले ने कर दिया सर। और थोड़ा सा शायद ग्रीश और ऊपर उठा देता तो वो उनका नीचे वाला पैर भी निकल जाता और वो ऊपर से ही एक बार छलांग मारने की कोशिश भी की उन्होंने। देखिए एक बड़ी अच्छी रेड मुझे अभिषेक की लगी थी, जहाँ पे उन्होंने दो पॉइंट लिए थे सर, वो जो जंप किया था, बढ़िया मुझे रेड लगी। वैसे पूरे मैच में चार ही पॉइंट है, दो वहां पे मिल गए थे। सर यही तो बोल रहा हूँ, वो अपने अपनी स्किल्स का ना इस्तेमाल नहीं कर रहे। जितने बड़े राइडर है वो, जितने बड़े हाइट लाइन से बोनस ले ले वैसा बंदा, जितनी बड़ी हाइट के वो राइडर लगते है कि इतनी बड़ी हाइट है और इतने अच्छे मूवमेंट, इतनी अच्छी स्पीड है, लेकिन वो अपना काम नहीं कर रहे। वो वही जाके हर मैच में वही गलतियां कर रहे हैं। यार अभिषेक भाई दूसरी टीम में एनालाइज करके आते हैं, आप अपने मूवमेंट में स्पीड आप में आप मूवमेंट चेंज करो। आप लेफ्ट कॉर्नर पे जाके ना खड़े हो तो ज्यादा बेटर होगा सर, आप मूवमेंट करोगे डिफेंस कहीं ना कहीं गलती तो करेगा। जी हां, यहां पे शुभम भटनागर पूछ रहे कि क्या नवीन अगले मैच में आएगा, थोड़ी इनसाइड इंफॉर्मेशन दे दो सर। आप कॉल करके जरूर पूछिएगा वहां पे अजय ठाकुर को कि क्या क्या हाल है, कल बताएंगे सर अजय ठाकुर के हाल आपको। जी अजय ठाकुर नहीं सर, नवीन के बारे में बताना है सर आपने। हाँ नवीन के बारे में, अजय ठाकुर हर टीम के हर मेंबर के बारे में बताएंगे सर। जी हाँ, मिस्टर हार्दिक कह रहे हैं, मिस्टर हार्दिक कहते हैं कि सर मेरा सवाल मोहित छिल्लर जी से है कि सवाल यह है कि सर सर का ऑल टाइम फेवरेट ट्रेडर कौन है, सिर्फ एक नाम बताना है उनको। मैं बता देता हूँ उनकी जगह, इनका एक ही अभी ऑल टाइम मेरा एक ही राइडर फेवरेट है, अनूप कुमार। अनूप कुमार जी बिल्कुल, बोनस किंग जी बिल्कुल। जी हाँ, गौतम भाई ऑल टाइम तो वही फेवरेट है। जी हाँ, देखिए बोनस किंग की एक बात थी कि वो आज भी अपने रेडर्स को कहते हैं कि आपको बोनस लेना है, या फिर हमेशा अपने डिफेंडर को कहते हैं कि बोनस रोकना है भाई, तो बोनस रोकना है। तो अभिषेक की बात करें, एक तो वो दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे हैं, पता नहीं वो क्या करे सर। रूम में देखिए होता है कि एक्सरसाइज ज्यादा कर दे रहे हैं वो तो, लेकिन सर ज्यादा स्वेटिंग आती है शायद उनको, रूम में एसी बंद करके करते हैं। जी हाँ, मुझे लगता है कि अभिषेक को ना सर वो बोनस वाली टेक्निक सीखनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है, आप देखिए कि जब भी नवीन जो है छोटी राइड करते हैं लेकिन बोनस ले आते हैं। अब मैंने जो भी मतलब सक्सेसफुल रेडर देखा है वो बोनस की प्रैक्टिस जरूर करता है वो। अब मैंने जब लॉकडाउन के दौरान भी कुछ कबड्डी के प्लेयर्स के मैं घर गया, तो मैंने वहां पे शैडो प्रैक्टिस में मैंने देखा कि कैसे वो सिर्फ और सिर्फ बोनस की प्रैक्टिस करते हैं। तो सर बोनस के लिए कुछ अलग प्रैक्टिस होती है गौतम भाई, अगर हम एक चीज को अगर हमें परफेक्ट बनानी है, जो चीज अगर हम उस चीज को एक बार 100 बार करेंगे 200 बार करेंगे तो परफेक्ट होगी वो। बिल्कुल सही, अगर आप बोनस की ट्राई कर रहे हो, जैसे अनुप कुमार बोनस बादशाह बोले जाते थे, जी 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 जी। तो वो बोनस की बार बार ट्राई करते थे और सर वो आगे रनिंग हैंडल्स बहुत कम मारते थे, वो बोनस पर रनिंग बोनस ले जाते थे। गौतम भाई आप उनके मैच उठा के देखोगे तो वो कॉर्नर पे खड़े हो गए, इतनी बोनस मारते थे, और जब आगे से डिफेंडर आते थे तो हाथ भी लगा के टर्न भी अच्छा करते थे। जी, तो बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे आपको ट्राई करनी चाहिए, आप जितना ट्राई करोगे एक चीज का, अगर सर मैं सीधी सी बात, अगर नेगी जी को अगर डेली सिखाऊंगा दयाराम से कि नेगी भाई ये करना है, प्लैंक करना आपको, मैं 10 मिनट प्लैंक करवाऊंगा उनको कि 10 मिनट करना, आज 5 मिनट किया, कल 6 मिनट कराऊंगा, कल 7 मिनट कराऊंगा, 8 मिनट। तो सर डंडे के जोर से या अपने खुद का जो मन करे कि उस चीज को हम कर सकते हैं, अगर 100 बार करेंगे तो वो परफेक्ट ही होगी चीज। जी हाँ, 100 बार जितनी बार आप करेंगे परफेक्शन, जो परफेक्शन होती है वही आपको परफेक्ट बनाती है। अच्छा मुझे क्या लगता है कि सर एक बार बोनस लिया दोबारा बोनस ले सकते हैं फिर उसके बाद? होना चाहिए, जितनी बार बोनस ले लिया बोनस पॉइंट। नहीं सर, दिवाली पे एक ही बोनस मिलता है, तो यहाँ भी एक ही बार बोनस मिलेगा, एक राइड में एक ही बार मिलेगा। लेकिन सर यहाँ तो फायदा ना, दिवाली में तो एक बार मिलता है, यहाँ तो राइडर बार बार आए और बोनस ले जाए। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, मैं तो कहता हूँ कि एक राइड में बोनस ओपन होना चाहिए, ये रूल होना चाहिए। तो सर बोनस रोके मजा नहीं आएगा ना, तो राइडर खड़ा ही रहेगा, बोनस करता चला जाएगा। नवीन जैसा राइडर आ गया वही तो चैलेंज है।
टाइटन पीछे खड़ी हो जाएगी, मैं बताता हूँ सर आपको कि 1992 के बाद जो है, आई थिंक अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप ठीक करना, देखिए अनूप कुमार के टाइम से पहले जो है ये बोनस उसी टाइम पे खुला है सर, पहले तो बोनस भी नहीं होते थे, पहले बोनस नहीं होते जी हाँ, जो जब एक रूल बन गया है, रूल बनते हैं तोड़ने के लिए, उन्हें तोड़ा जाए ताकि अगले मैचेस में बढ़िया वो एक नवीन जैसा तोड़वा देंगे, अभी मैं चाहता हूँ कि अभी 100 लगे, अभी तोड़वा देंगे सर, नेगी सर को यहाँ लाओ और प्लैंक करवा दो 3 मिनट जी हाँ। दबंग गौतम राजपूत आज दिल्ली के विजय ने जो लास्ट टाइम में सुपर एट किया वो मैच का टर्निंग पॉइंट था और 4 पॉइंट के जो है वहां पे अंतर हो गया। देखिए विजय के ऊपर में मुझे नो डाउट, विजय हमेशा से ही बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी रहे, लेकिन सर उनका फुटवर्क मुझे आज उतना बढ़िया नहीं लगा जितना मुझे संदीप नरवाल का लगा है। नो डाउट यार वो बंदा मैंने डिफेंस करता देखा है, लेकिन आज जो उन्होंने गेड़ा दिया है ना, वो गाना मुझे याद आ गया, दे दे गेड़ा भाई। यहाँ मेरे को लगता है वो ऑलराउंडर है संदीप, और टीमें ये भूल के बैठी थी कि संदीप रेड भी डाल लेता है, आज संदीप ने सोचा कोच साहब आज और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं ही जाऊंगा सर रिंग करने के लिए, आज कोई नहीं जाएगा, आज तो कोच ने भी उनको मौका दिया है, ये बड़ी अच्छी बात है सर, और उनकी वजह से और विजय की वजह से वहां पर वो जीत, मुझे लगता है कि उनको देख के अब अजय ठाकुर भी कोशिश करेंगे कि मैं भी जाऊं और थोड़ा सा मैं भी अपनी, देखिए आप हंसी मत बिल्कुल भी, मुझे अभी भी अजय ठाकुर पे वो विश्वास है, वो बंदा जो है जब भी जाएगा आग लगाएगा, एक बार पहाड़ी का हो गया, पहाड़ी का हो गया, बात नहीं है यार, मुझे मोहब्बत है यार उस बंदे से, वो बंदा देखिए कितनी बड़ा कितना बड़ी जो है अचीवमेंट है सर, प्लेयर भी बड़े हैं कोई शक नहीं है, लेकिन भाई भाई का नहीं रहा जी हाँ, ओके। अमरान विश्वाल कह रहे कि आज संदीप आउट ऑफ सिलेबस हो गया था, दिस विन इज अ बिग स्टेटमेंट एंड ऑल्सो विल इंक्रीज दिल्लीज कॉन्फिडेंस आफ्टर नवीन इंजरी एंड बुल्स लॉस। बिल्कुल सही कहा सर आपने, मुझे लगता है कि अमरान विश्वाल जी मुझे यहाँ पे एक और इंसान चाहिए, अजय ठाकुर चाहिए मुझे, जो कि यही कॉन्फिडेंस लेके आए और आप कहे भैया अब भाई है पुरानी दिल्ली, अब भाई है भैया यहाँ पे छोले भटूरे खाने का मजा, अब तड़का लगाए सर। क्या कहते हैं सर कि इसके साथ अजय ठाकुर का आना यहाँ पे जरूरी है, अगर नवीन मान लो ऊपर वाला ना करे कि अगले मैच में भी इंजर्ड जाए कौन संभालेगा सर, कहते हैं कि संदीप नरवाल संभालेगा सर। ठीक है पहाड़ी पहाड़ी के पास गया भैया, रहने दो आप, रहने दो, रहने दो। अच्छा ठीक है सर, भाई शिकावत मोहित सर जब आप और सुरेंद्र नाड़ा में कोई गलती करता था तो आप दोनों में कौन एक दूसरे को डांटता था ज्यादा? सर गौतम भाई हम नहीं डांटते थे आपस में, हम बोलते थे यार वहाँ गलती होगी, चलो कोई बात नहीं इससे उभर के आ गया और सुधारो इस गलती को, तो हम आपस में सलाह करते थे, हम लड़ते नहीं थे ना डांटते थे। जी हाँ देखिए इनके अंदर छिल्लर साहब की आत्मा नहीं आती थी, वो दूसरे जो छिल्लर था आपसे। हाँ मानव छाबड़ा कह रहे कि सर लास्ट में 1.8 था, रिव्यू सक्सेसफुल था, फजल ने अच्छा रिव्यू लिया था, क्या लगता है सर आपको फसल जी? बिल्कुल मैं और नेगी भाई जब रिव्यू आया था तारीफ कर रहा था और मैं तो बोल रहा था सर कहीं ना कहीं वो रिव्यू इतना अच्छा था, अगर मेरे को लगा गौतम भाई आपने भी देखा होगा, नेगी भाई ने भी देखा होगा कि पहले डिफेंडर ने टच नहीं किया था और वो पहले ही लोबी में आउट हो गए थे, तो मेरे को लगा बोनस तो नहीं है, एक एक पॉइंट होगा बॉम्बे जीत गई, लेकिन वो रिव्यू पता नहीं सर क्या देखा उन्होंने क्या नहीं देखा, लेकिन मेरे को लगा कि जहां तक उन्होंने 5 मिनट उस रिव्यू पे ले दिए और उसके बाद भी वो फैसला दिया तो फिर रिव्यू लेने का क्या मतलब था, लेकिन फैजल का वहां वो रिव्यू बिल्कुल बिल्कुल एक्सक्लूड के काम आया, बिल्कुल उन्होंने जो दिमाग लगाया ना फैजल ने कि एकदम कि हाँ भाई ये चीज हो सकती है, मैं और नेगी भाई तो उसकी तारीफ कर रहे थे, माने कि भाई क्या रिव्यू लिया इन्होंने, आज क्या दिमाग लगाया है फैजल ने, चाहे उन्होंने सर टैकल पॉइंट नहीं कमाए होंगे फैजल ने, लेकिन जो लास्ट में वो दिमाग लगाया ना गौतम भाई उसने, उसमें तो ये हो गया था हाँ भाई कैप्टन की भूमिका यही होती है, यही होती है, सही बात है। उससे पहले भी सर एक टच पॉइंट था जिसमें टच पॉइंट लिया है या नहीं है, और फजल ने कहा भाई नहीं है, इट्स नो टच, फिर हिंदी में कहा अरे जा। तो वो भी बड़ा सही सा मूवमेंट था, एक होते है सर क्योंकि है ना देखो ये और सबसे पहले मैच की शुरुआत में रिव्यू ले लिया, दुश्मन नहीं है सर, दुश्मन नहीं है, एक और बात याद आ गई इससे, सुनील वो सुनील के साथ था शायद, राकेश के साथ था सर, जी जी राकेश और फैजल में ही था वो टच, जी जी तो सर ये वहां दुश्मन नहीं होते, लेकिन सर मैच इतना टाइट चला हो तो शायद बनता भी था वहां पर राकेश का रिव्यू लेना, और सर उसके बाद आपने देखा नहीं होगा राकेश आए थे जब फैजल 3 थे
तीन या चार मेंबर बचे हुए थे उनके डिफेंस के, तो राकेश ने ऐसे ही रीच की थी, तो फैजल ने ऐसे ही हाथ उठा लिया, हाँ लग गया मेरे को लग गया, आपने शायद नोट नहीं की बात, वो वहां मजाक भी चल रहा था गेम के साथ साथ। माफ कीजिएगा सुनील, तो डिफेंडर है, मैं भूल गया था। अच्छा हार्दिक कहते हैं यहाँ पे सर कि आप दोनों को क्या लगता है कि इस बार कौन सी टीम फाइनल जीतेगी, सिर्फ गैस करना है, देखते हैं कि किसकी प्रेडिक्शन सही जाती है। सर क्या लगता है फाइनल कौन जीतेगा? जी सर मेरे को नहीं पता कौन जीतेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बार जीतेगा खेलना टीवी, आपकी आपकी फीलिंग्स को जीतेगा, आपकी मोहब्बत को जीतेगा, आपके प्यार को जीतेगा, और ये प्यार यूं ही आप बरकरार रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खेलनाओ.com हमारी वेबसाइट है, वहां उसे जाके आप एक बार विजिट कीजिए और चेक कीजिए कि आपके लिए हमारे गौरव जी जो है वो कितनी मेहनत से आपके लिए नेगी साहब की डांट वांट खा के जो है इतने आर्टिकल अरेंज कर रहे हैं वहां पे, आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा। रोटी कम खाते डांट ज्यादा खा रहे हो आजकल। अच्छा यहां पे एक और मैसेज है हमारे पास दयाराम नेहरा जी। दयाराम तो भाई सर का लठ का नाम भी है दयाराम। हाँ मोहित भाई कैसे हो आप, आपकी इंजरी कैसी है सर? सर अब तो ठीक है, रिकवर हो रही है, लेकिन सुबह चूल्हे की रोटी खाते खाते थोड़ी दर्द हो गई थी। सारी बातें बता दो सर। नहीं, कब क्या हो गई थी यार? अब हो जाता है सर कभी कभी। हाँ, कभी कभी बैठते हैं ना, सर्दी ज्यादा है तो बुढ़ापा आया नहीं है, लेकिन इंजरी आई हुई है, जो पुराने चोटें हैं तो उभर रही है। सर आपने टेक केयर नहीं किया था उस वक्त जब आपको चोट लगी थी? नहीं सर तब नहीं किया था, तब ये था कि हो जाएगी ठीक, हो जाएगी ठीक, फिर बाद में किया तो ज्यादा ही बढ़ गया था मामला। और अब बात बता दूं मैं इंजरी की, तो सर मेरी गर्दन में भी बहुत दर्द हो रहा है यार, प्लीज कोई दबा दो आगे। देखिए गर्दन दबाने के लिए, अरे भैया किसी को बुला लो गर्दन दबाने के लिए। अच्छा भाई शेखावत पूछ रहे यहाँ पे कि सर धर्मराज चेरलाथन जो है 46 की उम्र के है और प्रो कबड्डी लीग खेल रहे हैं, उनका रिकॉर्ड कौन तोड़ सकता? वो तो भाई मेरे को लगता है कोई नहीं तोड़ सकता, उनका रिकॉर्ड तो धर्मराज ही तोड़ेगा। वही आएंगे यम है यम। निधि पेंडेनकर, अनूप कुमार इज जस्ट अमेजिंग ऑल टाइम, क्या कहेंगे सर आप? जी बिल्कुल है ही वो सर, जैसे वो प्लेयर थे, जैसे वो कैप्टन थे, अब जैसे वो कोच है, तो वो ऑल टाइम बिल्कुल अमेजिंग और फेवरेट रहेंगे आप सबके भी और मेरे भी। जी हम यहाँ बढ़ते हैं अगले मैच की तरफ, और दबंग दिल्ली और पट्टा के बीच मैच था, उससे पहले मैं आपको गुजरात जायंट्स और यू मुंबा का पॉइंट टेबल आपको बता देता हूं। अभी राकेश रेडर है, देखिए यहाँ पे गुजरात जायंट के 2 पॉइंट है, सुनील कुमार डिफेंडर 2 पॉइंट, परवेज बहसवाल के 2 पॉइंट, राकेश नरवाल 6 पॉइंट, अजय कुमार 7 पॉइंट, अंकित डिफेंडर है कोई पॉइंट नहीं, गिरीश मूर्ति 3 पॉइंट और हार्डी ओस्ट्रोक 1 पॉइंट। बढ़िया लेट के पॉइंट लेते हैं, अभिषेक द ठस्की बम्ब ये है रेडर 4 पॉइंट और आशीष सांगवान 0, यहां पे हरेंद्र कुमार जो है वो 2 पॉइंट, अजिंक्य कापड़े 3 पॉइंट, वी अजीत वेरी गुड प्लेयर 8 पॉइंट, रिंकू 5 पॉइंट, बढ़िया हाई फाइव इन्होंने, और मोहसिन मुक्त गुलू 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 1 पॉइंट इनका भी है। यहां पे बढ़ते हैं दिल्ली की तरफ, और दिल्ली का छोले कुलचे और पट्टा का लिट्टी चोखा। भैया लिट्टी चोखा में आज हमें बहुत ज्यादा दम नहीं लगा, हमें लगा कि भैया लिट्टी चोखे वाला भैया मोनू गोयत भैया वो अपनी टपरी नहीं लगाए थे आज। भाई लिट्टी चोखे में दम तो था, जो इतना क्लोज मैच आया, एक बार स्कोर बराबर भी हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी गलतियों से, जो संयम की बात हम करते आ रहे हैं, वो संयम नहीं रख पाए और उन्होंने वो मैच गवा दिया वहां पर। जी शुभम भटनागर कह रहे कि मंजीत छिल्लर डिफेंस में गलती बहुत ज्यादा करते हैं, क्या कहेंगे सर छिल्लर साहब के बारे जी, में? बिल्कुल वो एडवांस टैकल के लिए बहुत ज्यादा जाते हैं और इसलिए उनसे गलती हो जाती है। जी हाँ, और उनको देखना हमेशा ग्रीन कार्ड भी मिलता है। गुस्से ले ना सर, गुस्सा भरा पड़ा उनमें कूट कूट के। सर पहलवानी करते थे पहले वो? जी बिल्कुल, मंजीत छिल्लर पहले पहलवानी करते थे, बाद में कबड्डी में आया सर। जी जी, उनको सब अभी पहलवान जी कहते हैं। हाँ वो तो रिवाज है सर, जैसे मैं एक बार कोई पुलिस में भर्ती होकर ठंडार साहब हो जाता है वो। ये हमारे गांव में आप जैसे मैं उनसे मिलूंगा तो मैं भी राम राम पहलवान जी बोलूंगा। पहलवान जी आपसे भी कोई मिलेगा आपको पहलवान जी बोलेगा? जी बिल्कुल, मतलब आप सब पहलवान हैं? हाँ जी बिल्कुल सब पहलवान। क्या बात है, मतलब क्या बात है। इसलिए तो बोलता हूँ नेगी सर से थोड़ा बच के रहा करो, जय भवानी जय पहलवान का दिमाग यहाँ से यहाँ आ जाता है फिर थोड़ा और नीचे। माय गॉड, ओ माय गॉड, सर आपके सिर में दर्द तो नहीं हो रही है? पीठ में दर्द हो रहा है। ओके, आपने कहा कि भैया पीठ में दर्द हो रे। ओके ओके, कभी कभी मजाक चल पड़ता है इनके साथ, बढ़िया मजाक हमें
हमें कितना भारी पड़ता है। ये मजाक है सर, पहलवान पहलवान इंसान होते हैं। ये मजाक हमें कितना भारी पड़ता है हमसे पूछो कभी कभी। मतलब हम ना यहाँ पे थोड़ा सा इधर इधर काले वाले वो गड्ढे हो जाते हैं, ये इनके घूसों का असर है भाई साहब। हाँ बहुत पीटते हैं यार। सर एक बात बताइए, आज में जीवा कुमार में आज आपको थोड़ा सा अंतर दिखा? आज भी जीवा कुमार जो थोड़ी पेशेंस के साथ खेल रहे थे जी, वो अब आगे सारे मैच को पेशेंस के साथ खेलेंगे। कोच ने एक टैकल किया उन्होंने, वैसे डैश करने की कोशिश कर रहे थे। कोच ने अच्छी तरह समझा दिया, भाई तू रुक के खेला कर, तू रुक के खेला, बाद में देख लेंगे टैकल वैकल को, तू रुका रहा है मैच पे, उसके बाद देखेंगे। जी हाँ, लेकिन यहाँ पे सर आप एक बात बताइए, पटना का कौन सा रेडर ऐसा लगा भैया कि पटना का रेडर है बहुत ही सटना, गमछा पहन के अभी बोलेगा अरे कुंडी ना खड़काओ सीधा अंदर आओ, क्या कह रहे भैया जी? पटना को तो सर आज दिल्ली ने वो क्या था, दिल्ली के छोले भटूरे नहीं, पटना के लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा दिल्ली ने खिला दिया सर भर भर के। सही बात है, प्रशांत कुमार ने फिर भी बहुत बढ़िया रीडिंग सर, प्रशांत सचिन ने भी अच्छा रीडिंग किया सर, उनके रीडिंग देखो टीम अच्छी खेली सारी। जो अगर हम रेडिंग की बात करें रेडिंग डिपार्टमेंट की, तो उनके कुल मिला के तीनों रेडरों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, उनके डिफेंस ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन वो संयम नहीं था सर लास्ट में। गौतम भाई मैं बोलना चाहूंगा कि संयम होता तो ये मैच ही ये भी टाई हो सकता था, आप अपना जीत सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे सर आप दिल्ली की जीत की क्या वजह मानते हैं, पूछ रहे हैं AM गेमिंग YT। दिल्ली की जीत की वजह संदीप नरवाल है कि टीम उनको ये आख रही थी, ये सोच रही थी कि ये तो डिफेंडर ही बन गए हैं, लेकिन आज वो रेडर बन के जो सामने आए ना, और वो 8 पॉइंट लेके आए, बड़े कमाल के थे भैया। जी हाँ, लालचंद यादव पूछते हैं सर विच टीम कैन क्वालिफाई फॉर प्लेऑफ, कौन सी टीम जो है प्लेऑफ के लिए जा सकती है सर, क्या लगता है आपको, दिल्ली या फिर पटना? दोनों ही टीम है मेरी तरफ से तो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने मानव छापड़ा। सर संदीप को सेकंड हाफ में इतनी रेड फिर नहीं करवाई, टीम संदीप पर इतना कम भरोसा क्यों रखती है? ऐसा तो नहीं है, मेरे को नहीं लगा आपके, चलो अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन मेरे को नहीं लगा कि वो टीम पे कम भरोसा, अगर कम भरोसा तो फर्स्ट हाफ में भी उसको रेड नहीं कराते। बिल्कुल बिल्कुल। वाई एस शेखावत पूछ रहे, शेखावत भाई के है आपका हाल, बढ़िया चल लेना बात सारी। हाँ कि गौतम सर आपका फेवरेट हरियाणवी सिंगर कौन है, मुझे तो अजय हुड्डा के लिखे हुए गाने अच्छे लगते हैं। देखिए मुझे ऐसा तो पता नहीं है, लेकिन मैंने हरियाणवी गाने बहुत ज़्यादा सुने नहीं है, पर हरियाणवी लोगों के साथ भाई गणी लाइट से जिंदगी है हमारी, और पहली बार हरियाणवी लोगों के साथ इतना बढ़िया मतलब कॉम्बिनेशन बना है इधर भाई हमारा जी। हाँ सर का फेवरेट, सर मेरा कोई फेवरेट गाना है नहीं यार, कोई गाना नहीं, सिंगर भी कोई नहीं है, जो जिसमें म्यूजिक बन जाता उसी को सुन लेते वो है। बस इनके लिए म्यूजिक फेवरेट है इनका। बिल्कुल गौतम भाई, जो मन में घुस जाता है भाई, दिचक, बस हाय 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 क्या बात है। तो भैया देखिए नेगी सर का तो पूछ लो, नेगी सर का फेवरेट गाना कौन सा है? ये भैया ये अंग्रेजी गाने ज्यादा सुनते हैं, थोड़ी ज्यादा हाँ, कोई बात नहीं, अंग्रेजी फिल्मों के दीवाने हैं ये बचपन से ही। हार्दिक पूछते हैं कि प्रदीप पवन नवीन मोहित छिल्लर सर की जी को एक चूज करना है तो किसे करेंगे, प्लीज एक ही चूज करना, प्रदीप पवन और नवीन, आई थिंक नवीन सर। देखा मुझे पता होता सर, दिल की बातें हम यू ही जान लेते हैं। और आपका जो यहाँ पे मैसेजेस आपके आ रहे, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हीरो ऑफ द डे 28 खेल रहा टीवी पर, ये पोल जो है यहाँ पे आपके सामने है, वोटिंग कीजिए, संदीप नरवाल 63% वोट के साथ यहाँ पे नंबर वन चल रहे हैं भैया, आज की सरपंची बल्ले ओ बल्ले संदीप नरवाल, कमाल कर गए यार, कमाल कर गए, बवाल कर गए, अरे धोती फाड़ के रुमाल कर गए। और अगर यही यहाँ पे चलता रहा तो मुझे लगता है सर दिल्ली को रोकने वाला कोई नहीं, बस अजय का चलना वहां जरूरी है, अजय को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ जी, बिल्कुल वापस लेके आओ, यही लेके आएंगे सर। अच्छा यहां पे कहते हैं कि न्यू बम भटनागर पूछते हैं कि आशु मलिक की जगह अजय ठाकुर को ला सकते हैं, और आशु कुछ भी पॉइंट नहीं ला पा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? एक यहाँ पे एक जवाब मांगा है आपसे, पूछती है जनता, जनता जनार्दन से मैं यही बोलना चाहूंगा कि आशु जो आशु मलिक है उनकी जगह अजय ठाकुर को बिल्कुल मौका दिया जाना चाहिए गौतम भाई, बिल्कुल नहीं मौका देना चाहिए, बिल्कुल मौका देना चाहिए। ओके बिल्कुल नहीं, गलती भी सुन लिया, वो पहाड़ों में आवाज गूंजती ना, गौतम गौतम गौतम
कैसा लगा? मैंने देखा कि एक बार तो उन्होंने मिड लाइन के बिल्कुल पास में टैकल कर दिया, तो वो टैकल इतना मतलब कॉन्फिडेंस कहां से लेके आते हैं सर? वो उन्होंने टैकल बड़ा शानदार किया था, लेकिन असिस्ट भी तो किया ना पूरी टीम ने। और ये हम पहले बात कर चुके हैं मैच से पहले कि उनकी टीम ऐसे है कि अगर आपने एक ने पहल कर दी तो असिस्ट करना जाना पड़ेगा, चाहे सारे चले जाओ पॉइंट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वही काम किया सर मोहम्मद ने उनकी टीम ने, और बड़ा शानदार टैकल था। जी हां सर, बलराम एक बढ़िया ऑलराउंडर है, लेकिन बलराम जो है कब वो निकलेंगे वनवास में? बलराम जो है कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं सर, वो मतलब उन्हें मौका कम मिल रहा है या फिर सर उनको मौका कम मिल रहा है शायद बलराम को, जो बलराम की आप बात कर रहे हैं तो मौका कम मिल रहा है। अगर उनको मौका मिलेगा तो बलराम भी वनवास में जाएंगे। जी हाँ, कबड्डी कबड्डी कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए दोनों ही टीमें बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। एक बार आपको फिर बता दूं कि विजय ने आज जो है दिल जीता है, और यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कमी जो है आज भी मुझे लगी है कि नवीन अगर होते तो शायद आज ये अगर पॉइंट्स देख रहे हैं आप, पॉइंट टेबल पे जो आप देख रहे हैं आप 32 पॉइंट, ये 42 या 52 होते। क्यों सर, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, नवीन होते तो ज़्यादा पॉइंट का अंतर होता, और नवीन इंजरी में है तो सर ये पॉइंट का अंतर है 3 पॉइंट का। लेकिन टीम दिल्ली नवीन के बगैर जीत गई, वो सबसे बड़ी बात है। जो हम लोग आप लोग ये बोल रहे थे कि नवीन ही एक स्ट्रेंथ है। अरे तो सर पोल में देखिए ना, पोल में ज्यादातर लोग कह रहे थे पटना का लिट्टा चौखा हम खा के आए भैया। जब ये पता लगा कि नवीन नहीं खेल रहा है, जी हां, जैसे ही पता लगा वहां पे रेटिंग जो है कम हो गई। हमसे पहले पूछा गया कि क्या नवीन खेलेंगे, हमने कहा अगर खेलेंगे तो क्या कहते हम तभी पोल पे जो है दिल्ली की तरफ जाएंगे। अब जो है वो पोल नहीं वो बांबू हो गया, और ऐसा बांबू हुआ है दिल्ली की तरफ से कि भैया पटना जो है मुझे लगता है कि सीधा ट्रेन पकड़ के आज पटना के उस स्टेशन वाले उस पास में जो पटना का लिट्टी चोखा वाला है ना सेंटर, वहां पर लिट्टी चोखा खा के थोड़ा सा एनर्जी गेन करेगा सर। तो यही बात है सर, ओवरऑल जो है आपको आज चारों टीमों की परफॉर्मेंस के बारे में कहा जाए तो आप क्या कहेंगे सर? सर दिल्ली ने कमाल कर दिया, जिस पे हमें भरोसा नहीं था गौतम भाई कि दिल्ली ऐसा कर सकती है नवीन के बिना, तो उन्होंने हमारा भी भरोसा जीता और कोच का भी भरोसा जीता है कि नवीन के बिना दिल्ली भी जीत सकती है। आप लोगों का भरोसा जीता है, पटना अच्छी खेली गौतम भाई, पटना में कोई शक नहीं है कि उनका रेडिंग डिपार्टमेंट और डिफेंस अच्छा चला, लेकिन कहीं ना कहीं उनका संयम में कमी थी और वो इसलिए लास्ट में मैच हार गए। यूमुंबा और गुजरात की बात करूँ तो यूमुंबा के फैजल कप्तान जो है वो अपना परफॉर्मेंस में चल नहीं रहे हैं, कंटिन्यू हम देख रहे हैं मैचेस कि वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं साबित कर पा रहे हैं, और उनकी और बाकी टीम अच्छा काम कर रही है। अभिषेक की बात करूं मैं यूमुंबा में तो वो भी बिल्कुल जैसे हमने पहले मैच में देखे थे बिल्कुल वैसे नहीं रहे, शायद गौतम सर ने उनकी ज़्यादा तारीफ कर दी थी पहले मैच में। गुजरात की बात करूं तो गुजरात के पास सर रेडर की बहुत सारी कमी है, उनके रेडर अच्छा काम नहीं कर रहे, अच्छा खेल नहीं दिखा रहे, और वो पॉइंट को जिताने में सक्षम नहीं हो रहे हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे बातों का सिलसिले में एक सवाल और मेरा है कि सर फजल अत्रा चली को भी एड्रेस दिया जाए पुराने बस मैं ही कर लूंगा सर उनसे बात, तो मैं ही कर लूंगा कि भैया हुआ क्या आपको, हुआ क्या है, मतलब घर की याद आ रही, गांव की देश की याद आ रही है आपको भी, मतलब अपनी मक्की की रोटी और सरसों का साग याद आ रहा है तो पंजाब निकल लो यार, अपने सुरेंद्र भाजी दे नाल है उत्थे खा के आओ हुण दा दोनों तड़न तड़न तुम दलेर भाजी से मिल के आना। गौतम भाई फैजल ने रिंकू के साथ असिस्ट अच्छे किए, वो भी असिस्ट करने में ज्यादा मतलब मेरे को तुरंत खास लगे कि हाँ भाई एक बार हाथ किसी ने डाला रेडर को तो असिस्ट करने के लिए तभी पहुंच जाते हैं। जी हाँ, आज संदीप नरवाल जो है कॉर्नर पर क्यों नहीं खेल रहे थे? क्योंकि सर वो रेडिंग में रेडिंग डिपार्टमेंट में थे, आज रेडिंग वो देख रहे थे। अच्छा सर, एक रेडर, एक जब मेन डिफेंडर आपका रेडिंग पे आ जाता है तो कितना मुश्किल हो जाता है कॉम्बिनेशन, क्योंकि आप कॉम्बिनेशन पे बड़ा झगड़ा करते हैं आप, अरे कॉम्बिनेशन होता है कॉम्बिनेशन, लो आज यहाँ पे घुस गया सारा कॉम्बिनेशन, आज जो है पूरा कॉर्नर बदल गया, आज जो है राइट और लेफ्ट बदल गया। गौतम भाई आज की बात मैं बताता हूँ, जो आप पिछला मैच देखोगे उसमें संदीप नहीं थे, बाहर थे तो दो राइट लेफ्ट कॉर्नर कौन खेल रहे थे, उनका उनके नए यंग प्लेयर खेल रहे थे, आज भी वही खेल रहे थे सर। तो आप देखो कॉम्बिनेशन तो था ही, लेकिन संदीप को किस लिए छोड़ दिया? रेडिंग डिपार्टमेंट में। तो मैं गलत नहीं होता गौतम भाई, अच्छी बात है, हर बात का जवाब मिलेगा आपको, जवाब मिलेगा तो पूछ लीजिए। यहां आप अपने सवाल पूछ लीजिए मोहित छिल्लर जी से। और सर टीम इंडिया के लिए आपने इतने मैचेस खेले हैं सर,
ऐसे सबसे छोटे जो है पॉइंट्स वाली गेम आपको कब याद आती है, कौन सी आपने खेली जहाँ पे जो है लेट हो रहे थे, डू एंड डाई की तरफ ज्यादा जा रहे थे? सर सर ऐसे बहुत सारे मैच आए जब बॉम्बे टीम में थे, बैंगलोर में थे। नहीं सर, मैं इंडिया पर इंडिया की बात कर रहा हूँ सर। जब हमने 2016 में सेफ गेम खेला ना, साउथ एशियन गेम था हमारा, तो वो खेला यहाँ गुवाहाटी में हुआ था, तो पाकिस्तान के साथ हमारा फाइनल मैच था। तब वहां पर सर मतलब कि जब थर्ड रेड नहीं आई थी इंटरनेशनल में, तो उनके रेडर सेफ रेड मार्क एमपीटी रेड मतलब बोले तो वो डाल के जा रहे थे सारे जी, जी, हमारे जी। भी सर सेम कर रहे थे क्योंकि हमारी लीड थी। लास्ट में रोहित जो टाइटन के कैप्टन है वो एक पॉइंट लेके आए, उसके बाद 10 मिनट ऐसे ही सेफ 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 चलते रहे और लास्ट में हम 1 या 2 पॉइंट से पाकिस्तान से जीते थे सर। और बहुत कम मार्जिन था तब पॉइंटों का, शायद सर 14-15 पे खत्म हो गया था। अच्छा सर, पाकिस्तान के साथ जैसे क्रिकेट मैच में होता है कि वहां से लाहौर से जो है मिठाइयों की खुशबू दिल्ली तक पहुंच रही होती है, वहां पे जीत के लिए पहले जो है सजदे में सिर झुक जाते हैं और दुआओं में हाथ उठ जाते हैं, तो सर क्या जब कबड्डी का मैच हो रहा था तो भी कुछ ऐसी ही बातें थी? उतना ही कॉम्पिटिशन, उतना ही दिमाग पे वो जोर, बिल्कुल आपको लग रहा था कि आज खिलाड़ी नहीं आप फौजी हैं? गौतम भाई जब वो मैच होता तो जज्बा तो आता ही है, लेकिन वहां पर भी वही हो रहा था, लेकिन वहां जब स्टेडियम में मैच थे तो इंडिया की आवाज ज्यादा गूंज रही थी, तो मैं ध्यान नहीं दे पाया कि भाई आज कौन चल रहा है। फिर हम फौजी तो बन ही जाते हैं सर। जी बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे सौरभ शुक्ला पूछ रहे हैं, शुक्ला भैया के हाल है आपका, कि आपकी प्लेइंग 7 क्या है दबंग दिल्ली के लिए? सर प्लेइंग 7 आपकी क्या रहेगी, अगर आपकी जो ड्रीम, अगर आप कोच होते तो आपकी प्लेइंग 7 क्या सर? मैं अगर इंजरी नहीं होती तो पहले जो टीम खेल रही थी वही मेरी प्लेइंग 7 होती। मैं भरोसा करता जीवा पे भी, भरोसा करता मनजीत पे भी, करता जोगिंदर पे भी, करता संदीप नरवाल पे भी भरोसा करता, और अजय ठाकुर पे स्पेशल भरोसा करके मैं उसको अंदर ही रखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं अभी अपनी प्लेइंग 7 में बताऊं आपको, तो अजय, नवीन, नीरज नरवाल और यहाँ पे आशु मलिक, जीवा, जोगिंदर नरवाल, ये कुछ मेरे जो है प्लेयर रहते यहाँ पे, संदीप नरवाल यहाँ पे जरूर रहते, और मैं बेंच पे जो है मनजीत चिलर को बिठाता, क्योंकि भैया अच्छी बात यार, गुस्से वाले प्लेयर है भैया, हमें काम वाले थोड़े कूल बंदे चाहिए यार, ऐसा नहीं मत, इतना गुस्सा नहीं, लेकिन वो तो भाई चलता है, इतना तो चलता है। और शायद जब आप खेलोगे मेरे साथ, जब आप मेरी टीम में होगे, नेगी और छोटा चेतन और ये भाई होंगे तीनों, तो उसके बाद मैं जब आप गलती करोगे तो मेरा भी गुस्सा देख लेना, ये गुस्सा सब में फूटता है। वहाँ कैमरे के सामने कोई फोड़ देता है, कोई नहीं फोड़ता, बाद में फोड़ देता है। मैं तो कैमरे के सामने भी नहीं फोड़ सकता, अभी आप बड़े हो गए, बाकी मैं मारू मारूंगा नहीं, बस डांटू डांटूंगा, तो उसके लिए तैयार रहना। आज पटना पायरेट्स के सुनील के उस ज्वाइन दोनों नहीं किया ऐसे के कारण डिफेंस में कमजोर हो गया है। देखिए किसके कारण डिफेंस हुआ है गौतम जी, आप जरूर बताना मुझे। पटना पायरेट्स के जो सुनील है, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की, आप कहना क्या चाहते हैं, आपकी जो बातें वो कहाँ जा रही। मुझे ये लगा है कि देखिए आज सज्जन जो है, सज्जन सिंह जो जिस तरह से डिफेंड करते हैं, सज्जन सिंह जिस तरह से जो जिस टैकल के लिए जाने जाते हैं, सज्जन सिंह की बात कर रहे हैं शायद कि उनको शामिल नहीं किया गया था पटना में जी। पता नहीं सर, आपका कमेंट हमें समझ में नहीं आया, लेकिन जो भी था बड़ा अच्छा कमेंट था, बहुत ही बढ़िया था, शानदार था, मोहब्बत थी आपके कमेंट से। और फिलहाल क्या आज पटना ने प्रदीप को मिस किया होगा, मुकेश यादव जी पूछ रहे हैं, बिल्कुल मिस किया होगा। अरे भैया उनकी फोटो को किस भी किया होगा, क्या लगता है? बिल्कुल सर, मैं मानता हूं कि उन्होंने बिल्कुल मिस नहीं किया होगा, क्योंकि जो उनका राइडिंग डिपार्टमेंट चल रहा था, तो मैं नहीं मानता कि उन्होंने मिस किया होगा, और उनका डिफेंस भी अच्छा चल रहा था। ये तो मैच की बात है, आज एक मैच पटना हार गई तो आप उसके अगेंस्ट नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि उनका एक मिला जुला टीम कॉम्बिनेशन है अभी तक भी। जी हाँ, तोशीत फिर के पूछ रहे हैं, फिर के भैया फिर के हो गया, अच्छा ठीक है। व्हाट डू यू थिंक, कैन संदीप नरवाल बी ऑलराउंडर फॉर द दबंग दिल्ली? क्या कहते हैं सर, संदीप नरवाल एक ऑलराउंडर है, देखिए हो सकते हैं दबंग दिल्ली के लिए है भैया, वो है वो ऑलरेडी ऑलराउंडर है, वो नो डाउट हो सकते क्या है। तो फिलहाल अंकुश जी आप यहाँ पे सरपंची के रिजल्ट के लिए तैयार हैं अभी? जी हाँ, थोड़ी देर में हम तैयार होने वाले हैं यहाँ पे। और निलवाय बिस्वाल सर, बंगाल के जो है खराब फॉर्म के कारण क्या है मनी को रेड में सपोर्ट नहीं ना मिलना, या डिफेंस के लिए जीवा मंजीत के जैसे सीनियर प्लेयर का ऑक्शन पे उनको ना लेना? सर देखिए सुपर चैट आई है 100 रुपीज की इनके, तो भैया बोनी करा दी आज आपने। अरे बोनी वाला सवाल है भैया, जवाब दे दो। सर मैं मानता हूँ कि वहां मनी को रेड में सपोर्ट नहीं मिलता, अगर जो लास्ट मैच देखा जाए
तो मनी को सुकेश सेकरे ने रेड में सपोर्ट दिया था, इतना ही उनको सपोर्ट चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और आप कर रहे हो डिफेंस की बात, तो डिफेंस उनका काफ़ी अच्छा खेल रहा है 3-4 मैचों से। ये नहीं जरूरी है कि मनजीत या जीवा ही ऑक्शन में वहाँ होते तो वहाँ डिफेंस में एक्सपीरियंस होता, या रणसिंह के पास भी खूब भर भर के एक्सपीरियंस है डिफेंस का, और वो 3 मैचों में 2 बार तो बेस्ट डिफेंडर निकल चुके हैं। तो मैं नहीं मानता सर कि उनके पास किसी चीज़ की कमी है। जी हाँ, और थैंक यू सो मच निलवाय बिस्वास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से आप भी जो है कर सकते हैं हमें, मतलब आप भी सुपर चैट कर सकते हैं हमारे साथ, डोंट वरी जी, सुपरमैन आप भी करो। देखिए सुपरमैन हो तो सुपरमैन की तरह सुपर चैट करो। साथ ही आपके लिए बता दूं कि हम यहाँ पे मेंबरशिप भी लॉन्च करने वाले हैं थोड़े ही दिनों में, अब 1-2 दिन में नेगी साहब के साथ मैं बात कर लूंगा इस बारे में। और मोहित छिल्लर साहब के जो पोस्टर हैं, हमने इन सब अलग अलग पोस्टर इनके ले लिए, मतलब हाँ उन पर साइन करवा रहे हैं, तो आपके नाम के साथ हम उन्हें साइन करवा के यहाँ से आपके घर भेजने वाले हैं थोड़ी दिनों में, ये भी हम प्लान कर रहे हैं सर यहाँ पे। अच्छी बात है सर, मैं भी आपके साथ हूँ। बहुत अच्छी बात है सर, साइन तो आप ही को करना है। अच्छा फिलहाल यहाँ पे चलते हैं सर, तो क्या सर सरपंच का रिजल्ट दिखाया जाए अभी? ओके बिल्कुल ठीक है। हीरो ऑफ द डे 28 संदीप नरवाल, आज की सरपंची जीत चुके हैं 63% वोट्स के साथ, और अजय कुमार 36% वोट के साथ आज की सरपंची हारे हैं। हाय पोल कंप्लीट हुआ है 445 वोट्स के साथ, लेकिन आपके लाइक्स कहां है? 187 लाइक ओनली। लाइक कीजिए और हमारे दिलों को भी आप जीत लीजिए इस लाइक के साथ ही, मोहब्बत है आपसे। और फिलहाल मुझे लगता है कि इसी के साथ जो है आज का सेशन भी खत्म किया जाना चाहिए। और जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे मोहित भाई हमारे सभी लिसनर्स को? सर हमें देखते रहिए और खेलते रहिए, तू बोल कबड्डी खेल कबड्डी, बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड नाइट। और कल फिर मिलेंगे हम 6:30 बजे पोस्ट मैच में इसी जगह, और बहुत सारी बातें आपसे करेंगे। हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। जाते जाते यही कह रहा हूं, और मेरे तो सपने में भी आज के लिए यही आता कि मैं यही कह रहा हूं, तो देखिए मेरे सपनों को आप पूरा कीजिए, 10 मिलियन पहुंचाइए। बाय बाय, टेक गुड केयर, बाय बाय, गुड नाइट।